अध्याय 15। तद यरूशलेम तो फरीसी अति धर्म ग्रंथी येसु कोल आए अति कहा, तुहाडे चेले बजुर्गों की रवायत नू क्यों तोड़दे हन? क्योंकि भोजन करन वेले वो अपने हाथ नहीं धोंदे। उसने उन्होंने उत्तर दिता, तुसी अपनी रवायत की खातर खुदा की आज्ञा की क्यों उलंघना करते हो? क्योंकि खुदा ने आज्ञा दिती है, अपने प्यो अते अपनी माँ का आदर करो, अते जो कोई प्यो जा माँ के बारे बुरा बोलता है वह जरूर मरेगा। पर तुसी कहंदे हो, जेकर कोई अपने प्यो जा अपनी माँ नू कहंदा है, जो कुछ तुहानू मेरे तो मिलना सी वह खुदा नू दे दिता गया है, उसनू फिर अपने प्यो का आदर करन दी जरूरत नहीं है। इस तरह तुसी अपनी रवायत की खातर खुदा दे वचन नू बेकार बना दिता है। ओए पखंडियो, यशायाह ने तुहाडे बारे ठीक ही भविखबाणी कीती सी जदों उसने कहा, ये लोग अपने मुँह नाल मेरा सतिकार करते हैं पर इन्हां दे दिल मैथों दूर हैं, ये मनुखी कानूनां नू धर्म सिख्यावां वजों सिखाते हैं, ये बेकार ही मेरी उपासना करते हैं। फिर उसने लोगों नू अपने कोल बुला के उन्होंने कहा, सुनो अते समझो, जो मुँह विच जांदा है ओ मनुख नू प्रिष्ट नहीं बनाउंदा, सगो ओ जो मुँह विचों बाहर निकलता है मनुख नू प्रिष्ट बनाउंदा है। तद चेलिया ने आके उसने कहा कि तुसी जानदे हो कि ये गल सुन के फरीसियां बुरा मनाया है? उसने उत्तर दिता, हर पौधा जिसनों मेरे स्वर्गी बाप ने नहीं लाया वो पुट दिता जाएगा। उन्हां दी परवाह ना करो, वो अन्ने आगू हैं। जेकर एक अन्ना दूजे अन्ने की अगवाही करता है तो दोवें टोए विच डिग पैणगे। पर पतरस ने उसनू कहा, ये तमसील सानू समझा दिओ। उसने कहा कि तुसी भी अजे ना समझ हो, कि तुसी नहीं देखते दे कि जो कुछ मुँह विच जांदा है वो पेट विच चलिया जांदा है अते इस तरह निकल जाता है, पर जो मुँह विचों निकलता है वो दिल विचों आंदा है अते ओ मनुख नू प्रिष्ट बनाउंदा है। क्योंकि दिल विचों बाहर निकलते हैं बुरे विचार, कतल, विपचार, परगमन, चोरी, झूठी गवाही अते निंदा, ये हैं जो मनुख नू प्रिष्ट बनाउंदे हैं। पर बिना तोए हत्थां नाल भोजन करना मनुख नू अशुद्ध नहीं बनाउंदा है। येसु उतों निकल के तीरुस अते सिदौन दे इलाके वल चलिया गया। अते वेखो, उस इलाके दी एक कनानी औरत ने सामने आ के उच्ची आवाज़ नाल हाड़ा पाया, प्रभु दाऊद दे पुत्र मेरे उते दया करो, मेरी धी नू पूत बुरी तरह सता रहा है। पर उसने उस औरत नू कोई उत्तर ना दिता। उसदे चेलिया ने कोल आ के उसदे अगे ये कहंदे होए बेनती कीती, उसनू कल दियो क्योंकि वह साढ़े पिछे पिछे उच्ची उच्ची हाड़े पाउंदी आउंदी है। उसने उत्तर दिता, मैं सिर्फ इजराइल दे घराने दियां गुआचियां भेड़ां कोल कल्लिया गया सां। पर वह औरत आई अते उसदे अगे गोडे टेक के ये कहन लगी, प्रभु मेरी मदद करो। उसने उत्तर दिता, बच्चों की रोटी लै के कुत्तियां अगे सुटना ठीक नहीं है। उस औरत ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर भी मालक दी मेज तो डिगन वाले चूर पूर नू कुत्ते भी खांदे हन। तद येसु ने उसनू उत्तर दिता, हे औरत, महान है तेरा ईमान, जिस तरह चुचाउंदी है उसे तरह तेरे लिए होवे। अते ठीक उसे वक्त उसकी धी चंगी हो गई। येसु उत्थों रवाना हो के गलील दे समुंदर दे कंडे कंडे चल पिया। वह पहाड़ियां उत्ते जा चढ़िया अते उत्थे बैठ गया। एक वड्डी भीड़ उसदे कोल आई अते लोग अपने नाल लंगड़े, लूले, अन्ने, गूंगे अते होर बहुत सारे बीमारां नू लै के आए अते उसदे चरणां विच रख दिता अते उसने उन्हां नू चंगिया कीता। जदों भीड़ ने देखिया कि गूंगे बोल रहे हन, लूले सबूते हो रहे हन, लंगड़े चलदे हन अते अन्ने देखदे हन, तां भीड़ हैरान हो गई
अते उसने इसराइल दे खुदा दी वडियाई कीती। तद येसु ने अपने चेलियां नू अपने कोल सद्या अते कहा, मैनू इस भीड़ उत्ते तरस आउंदा है क्योंकि ये हुण 3 दिनां तो मेरे नाल है अते उहनां कोल खाण लई कुछ नहीं है अते मैं इहनां नू भुखा ही विदा करना नहीं चाहुंदा कि ते ये जांदे जांदे राह विच बेहोश ना हो जान। चेलियां ने उसनू कहा, इस उजाड़ थां विच इस वड्डी भीड़ नू खुआउण लई सानू काफ़ी रोटी कित्थों मिलेगी। येसु ने उन्हां नू पुछया, तुहाडे कोल किन्नियां रोटियां हन? उन्हां ने कहा, 7 अते कुछ छोटियां मच्छियां भी। भीड़ नू जमीन उत्ते बैठन दा हुक्म दे के उसने 7 रोटियां अते मच्छियां लईयां अते धन्नवाद दी प्रार्थना करन दे बाद उसने उन्हां नू तोड़िया अते चेलियां नू दिंदा गया अते चेलियां ने अगां भीड़ नू परोसिया। उन्हां सारे ने खाधा अते रज गए अते उन्हां ने बचे हुए टुकड़े इकट्ठे कीते अते 7 टोकरे भरे। खाण वाले औरतां अते बच्चों तो इलावा 4,000 आदमी सन। फिर भीड़ नू विदा करके येसु किश्ती विच चढ़ गया अते मगदान दे खेतर नू चलिया गया।